औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बरबरकत नाम से, जो नहायत रहमदिल और मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम। आप हमें इस वक्त देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड के से इस वक्त आपके साथ मुखातिब हैं। बंदा नाचीज रॉकी खान आपके साथ स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन लेकर वक्ते सहर और वक्ते इफ्तार के प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होता है। आधा घंटा पहले वक्ते इफ्तार से और आधा ही घंटा पहले वक्ते सहर से। जैसा कि आपको मालूम है कि माजी में हम एक घंटे का प्रोग्राम जो है वो सहूर के ट्रांसमिशन में लेके आया करते थे, लेकिन इस साल हमने वहां से थोड़ा दौरानिया कम किया। लेकिन जो आजकल दौरे हाजिर की डिमांड है, सोशल नेटवर्किंग, यूट्यूब चैनल्स और इस तरह की तमाम अदर एक्टिविटीज, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा अपने सामीन तक और अपने हाजरीन तक भी अब पहुंच सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो इस दफा हम 4 एपिसोड्स की अपने यूट्यूब चैनल से भी लेकर आए। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि आपको हमारी जितनी भी नई वीडियोज हैं उनका फौरन से फौरन पहले पता लगता रहे। इसी के साथ साथ आप लोग लाइका रेडियो लाइका गोल्ड के लिए अब जो हमारी न्यू मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिए और नंबर वन रेडियो स्टेशन को आप अपने मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स में सुनिए। इसी के साथ साथ अलेक्सा, गूगल होम, स्मार्ट स्पीकर्स में भी और हमारी न्यू वेबसाइट laikaradio.com को भी विजिट कीजिए और वहां पे आपको लिसन बैक और बहुत से अदर ऑप्शंस भी नजर आएंगे। ये स्पेशल ट्रांसमिशन माह रमजान की तारे खलाल वालों के तावन से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जो कि अपना पैगाम कुछ यूं देते हैं कि आप उनकी बेशतर ब्रांचेस पे जाएं, वहां पर फ्रेश हलाल मीट मुहैया और उसी के साथ साथ सेंसब्रीज की भी बेशतर ब्रांचेस से वो फ्रेश हलाल मीट मुहैया कर रहे हैं और अब वो डिलीवरी ऐप की बदौलत आपके घरों तक फ्रेश हलाल मीट की डिलीवरी भी करवाते हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को और हमारी ट्रांसमिशन को जो रेडियो पर है उसको भी आप तक पहुंचाने में और पांचों वक्त की अजानों को लाइका रेडियो लाइका गोल्ड पर पहुंचाने में जो तामुन हमारे साथ तारे खलाल वाले कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके कारोबार में इसका अजर दे और तरक्की और कामयाबी दे, आमीन। मोमिनो, बहुत ही जरूरी है कि दीन इस्लाम की कुछ बातों को गहराई में समझना। हम अपने इन मखसूस 4 एपिसोड की ट्रांसमिशन के अंदर बहुत कुछ आपके साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा क्योंकि ये पहला साल है, क्यों ना आप लोगों के साथ हम लोग मिल बैठ के रमजान की अहमियत, उसकी आमद, उसके अशरे और उसके अख्तिताम और खास तौर पर ताक रातों का जिक्र आपके साथ करें। कहा जाता है कि पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात है, जिसको दोजक से निजात भी कहते हैं या अपनी आखिरत को बेहतर करना भी कहते हैं, क्योंकि उसी अशरे में आपको ताक रातें यानी कि शब कदर की रातों को ताक रातों में तलाश करना होता है, जो कि 21, 23, 25, 27 और 29 हैं। लेकिन हम आज अपने मखसूस पहले प्रोग्राम में पहले अशरे के बारे में बात करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि वो रमजान से पहले जब शाबान आता तभी से ही रोजे रखने शुरू कर देते। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुतअद्दिद अहादीस में रिवायत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले ही रमजान की तैयारी करना शुरू कर देते और शाबान के ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते। शाबान के अंदर जहां शबे बरात भी है, वहीं पर ही वो अपनी इबादत के अंदर अपनी तमाम उम्मत के लिए खैर बरकत और अल्लाह ताला से रहम मांगते। एक दफा का जिक्र है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप दुआ मांगते मांगते आप दीदा हो गए, आपकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए, ऐसी क्या दुआ आपने मांगी? तो आपने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन पर रहम बरसा दे। और इसी तरीके से जब रमजान का आगाज होता है, जो रमजान की तैयारियां होती हैं वो बहुत जरूरी हैं। पहले तो रमजान के आगाज से पहले पहले आपके ऊपर फर्ज कर दी गई है ज़कात, उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मोमिन के ऊपर फर्ज है जो साहिब इस्तताअत है, जिसके पास एक मखसूस मकदार का सोना, मखसूस मकदार की चांदी, मखसूस मकदार की जायदाद या मखसूस मकदार का जो नकद है, कैश है, वो होना जरूरी है। मोमिनों,
हम आपके साथ ज़कात के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज हम क्योंकि रमज़ान की अहमियत और उसके पहले अशरे का जिक्र कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टॉपिक पर ही ज़्यादा देर बात करें। तो मैं आपको बता रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ शाबान के रोज़े रखते, वो अपने आप को तैयार करते। इतनी देर जो कि आपको अफाका करना होता है, खाने पीने का कोई खाना आपके जिस्म में नहीं जाता, फिर आपको उसके साथ साथ इबादतें भी करना, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ना, फिर अगर आपको मौका मिले और आपके पास टाइम है और छुट्टियां हैं और अगर काम आपका दुनियावी जिंदगी का इजाजत देता है, तो फिर आप उसके अंदर चाश्त भी पढ़िए, फिर आप इशराक भी पढ़िए, फिर आप अवबीन के नवाफिल भी अदा कीजिए, नमाज तस्बीह भी पढ़िए, नमाज तरावी भी पढ़िए, फिर आप रात को सहूर से कुछ देर पहले का अलार्म लगा कर उठकर तहज्जुद की तैयारी भी कीजिए। यानी इस तरीके से आपको सारी की सारी जो नफली नमाजें हैं उनकी भी तैयारियों का सवाब मिल जाएगा। मोमिनो, बहुत जरूरी होता है, जब देखिए किसी और त्यौहार की अगर बात करें, कोई भी त्यौहार हो, जैसे हमारे जो ईसाई बरादरान हैं, जब वो क्रिसमस उनकी आती है, आपने देखा है कितनी जगहों पे चरागाह होता है, क्योंकि हम यहाँ बरतानिया में रहते हैं तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम पाकिस्तान की या इंडिया की या सऊदी अरब की या किसी और मुस्लिम ममालिक की बात करें, जिसमें ईरान है, यूएई है और बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे जब रमज़ान आता है तो रमज़ान की भी तैयारियाँ इसी तरह ही घरों को साफ करके, इमारतों को साफ करके, उनके ऊपर चरागाह करके उसको वेलकम किया जाता है। यानी कि पूरे मुल्क के अंदर और आगे पीछे आपको एक माहौल सा मिल सके। चलिए माना कि यहाँ पर अगर आप दयारे गैर में रहते हैं और एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, फिर भी आपको इस मुल्क के अंदर पूरी इजाजत है, आपको अपने कल्चर, अपने मजहब, अपनी जुबान, अपनी सकाफत को पूरी तरह से उजागर करने की यहाँ पे, यानी कि आपको कोई रोकता नहीं है और आपकी मदद भी करते हैं और साथ साथ आपका एहतराम भी होता है। तो आप अपने घरों को साफ कीजिए, खास तौर पर जहां पर आपके जाए नमाज खास तौर पर खवातीन के लिए बिछाए जाते हैं, क्योंकि मर्द हजरात तो बेहतर है मसाजिद में जाके नमाज अदा करें, लेकिन अगर आपके घरों के अंदर कोई जाए नमाज की जगह बनी है जहां पर बाजमात आप नमाज अदा कर सकते हैं घर के चार पांच लोग, तो यकीनन उसको साफ कीजिए, उसको थोड़े सी सजावट कीजिए, यानी लगे कि आपने माह मुकद्दस का, इस अजीम महीने का, जहां पर कहते हैं कि नफल भी अगर अदा किए जाएं तो उनका भी सवाब फर्ज के बराबर है, क्योंकि जब चांद नजर आता है रमजान का तो अल्लाह ताला जन्नत के आठों दरवाजे खोल देते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि जन्नत के सात दरवाजे हैं, लेकिन माह रमजान में जन्नत का एक और दरवाजा, जिसको बाबे रेहान कहा जाता है, वो खोल दिया जाता है। मोमिनो, बाबे रेहान क्या है? बाबे रेहान दरअसल वो दरवाजा है जिस दरवाजे से अल्लाह ताला मखसूस तौर पर उन लोगों को गुजारेंगे जो लोग रोजेदार होते हैं, जो लोग ना सिर्फ फर्ज रोजे रखते हैं बल्कि फर्ज रोजों के साथ साथ मुख्तलिफ औकात कार में नफली रोजे भी रखते हैं, और उस दरवाजे से उन लोगों को गुजार के जन्नत में लेके जाया जाएगा। जन्नत के अंदर भी माह रमजान के आने से पहले पहले उसकी ढेर सारी ठंडी हवाएं, उसकी ढेर सारी बरकतें और उसकी ढेर सारी फजीलत के लिए तमाम फरिश्तों को जन्नत को भी साफ सुथरा और सजावट की तरह बनाया जाता है। मोमिनों, पहला अशरा रहमत का है, यानी कि अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला के नामों को भी अगर उठा के देखा जाए तो सबसे अजीम और अफजल नामों में रहमान और रहीम ही है। यानी अल्लाह ताला ने जो हमारे पर इतनी नेमतें दी, हमें जो इतनी रहमतें बरसाई, हम उन तमाम का शुक्र अदा इन पहले 10 दिनों में कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और खास तौर पर पहले अशरे की दुआ है जिसका मफहूम कुछ यूं है तशरीह के साथ, कि मेरे परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि सबसे बेहतरीन रहम फरमाने वाली जात तेरी ही है। जब सबसे बेहतरीन जात रहम पहुंचाने वाली उसी की है, जब हम कलमा गो होके तौहीद के अंदर अपने ईमान की मजबूती के अंदर कलमा पढ़कर अल्लाह के एक होने पर, उसके बड़े होने पर यकीन रखते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानते हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपनी हर दुआ और खास तौर पर रहमत की दुआ ज्यादा से ज्यादा विर्द करते हुए, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ उठाते हुए, अपनी इबादात को करते हुए अल्लाह ताला से मांगे। ये माह मुकद्दस रमजान खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है। अगर ये आपकी जिंदगी में आया है तो इसके ना सिर्फ पहले अशरे से बल्कि दूसरे अशरे से बल्कि तीसरे अशरे से, इसके एक एक लम्हे से आप पूरी तरह फायदा उठाइए।
अपने जिस्म को पाक रखिए, अल्लाह ताला के सामने हर वक्त सर बसजदा रहने की कोशिश कीजिए और उसकी रहीमी और करीमी के वास्ते देकर उससे अपनी दुआओं की मंजूरी लीजिए। आप इबादत कीजिए कि अल्लाह ताला का तकवा आपको हासिल हो सके, अल्लाह ताला आपको अपनी जो ला तादाद उसकी नेमतें और रहमतें हैं उनमें से वो आपके ऊपर इतनी निशावर करे माह रमजान की इन इबादात के सदके कि आप लोगों को भी देखकर एहसास हो जाए कि आपको सिर्फ इन 30 दिनों में नहीं बल्कि पूरे साल अल्लाह की इसी तरह अतात करनी है। अपनी जुबान को पाक रखना है झूठ से, अपनी निगाह को पाक रखना है बेहयाई से, अपने जिस्म को पाक रखना है गलीजत से और अपने बदन को साफ रखना है कि आप हर वक्त एक अच्छे मोमिन की पहचान बनकर दुनिया के सामने दिखें। आप जब बात करें, आप जब लोगों के साथ मिलें, आपसे बड़े उनसे एहतराम, आपके छोटे उनसे प्यार, आपके बराबर के उनके साथ सच्चाई और अहद और सादिक और आमीन होने का फैसला रखें, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बबरकत जात ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लिए एक ट्रैक अस्वाए हसना का छोड़ रखा है। मोमिनों, प्रोग्राम अपने अख्तिताम की जानिब आ रहा है। पहले अशरे के हवाले से बस यही कहूंगा, इस दुआ का विर्द बार बार किया कीजिए कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहम करने वाला है, मुझ पर रहम फरमा, और सबसे बेहतरीन रहम करने वाला तेरी ही जात है। ऐ मेरे परवरदिगार, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने लाइका रेडियो लाइका गोल्ड के यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद वंस अगेन कहते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आपको कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम आपके लिए दूसरे अशरे की वीडियो भी लाएंगे और हमारे चैनल से मजीद डिफरेंट वीडियोज भी आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आप हमारी मोबाइल ऐप जो नई आई है उसको डाउनलोड कीजिए, और इजाजत लेने से पहले एक दफा फिर से तारिक हलाल वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे 57 पेश किया इन प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से इस रहमत के अशरे में अपने लिए, हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए रहम की दुआ कीजिएगा। इजाजत दीजिए अपने मेजबान रॉकी खान को, इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल पे भी दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप हमारी ट्रांसमिशन पर हमारे प्रोग्राम वक्त सहर और वक्त इफ्तार जरूर समाप्त फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।